Subscribe under 24/7 and press the bell icon. स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल टीचर्स अड्डा 24/7 पर। भाई आप सभी को दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं और फटाफट से जल्दी से सारे बच्चे ऑनलाइन आ जाओ और आते ही पहले सेशन को शेयर करना, लाइक करना और जो आज की क्लास में नया बच्चा है सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आप लोग हमसे जुड़ सको और अपने टीचर बनने की तैयारी कर सको। और एक आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी न्यूज़ ये है कि जैसे कि ये फेस्टिवल का महीना है, आप लोगों के लिए हम बहुत सारे ऑफर्स लेके आए हैं। एक सबसे बड़ा ऑफर ये है, सबसे पहले आप लोगों को अड्डा 24/7 की ऐप को डाउनलोड करना है अपने फ़ोन में ऐप स्टोर पर जाकर। उस पर आप कोई भी प्रोडक्ट को खरीद सकते हो, ठीक है। उस पर कोई भी प्रोडक्ट अगर आप खरीदोगे तो आपको 40% का डिस्काउंट मिलेगा और साथ ही कोई ना कोई हर प्रोडक्ट पे आप लोगों को प्राइस मिलेगा। आप आईफोन 11 भी जीत सकते हो और लैपटॉप जीत सकते हो और कहीं की ट्रिप भी आप लोग जीत सकते हो। तो अगर आज ये ऑफ़र आप ख़रीद लेते हो, और हर बच्चे को ख़रीदना भी है, सबसे पहले इस ऐप को डाउनलोड करना होगा अपने फ़ोन में, ठीक है। अब हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। भाई आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक करेंगे, जो इस टॉपिक की बहुत डिमांड भी होती है भाई, सी टेट, एच टेट और डी ट्रिपल एस बी के लिए जरूर 2 से 3 क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। अगर ये चैप्टर पूरा देख लिया तो 2-3 नंबर पक्के हो जाते हैं यहीं से ही। और अब आप लोगों के पास ज़्यादा टाइम बचा नहीं है तो पूरा सेशन देख के जाना, ठीक है। देखो किसने दिया था व्यक्तित्व का शील गुण सिद्धांत, बताओ भाई किसने दिया था? ये दिया था ओलपोर्ट ने। ओलपोर्ट ने ये सिद्धांत दिया था, ठीक है। और क्या बताया था? देखो शील गुण होता क्या है, पहले तो शील गुण क्या होता है ये हमें पता होना चाहिए। शील गुण का इन्होंने मतलब क्या बताया था? देखो शील गुण एक ऐसी आदत होती है, ऐसी आदत, व्यवहार या कोई भी गुण जिसकी वजह से आप लोग जाने जाते हो। लिख लो, ऐसी आदत, व्यवहार या गुण जिसकी वजह से लोग आपको जानते हैं, ऐसी आदत या गुण जो स्थायी होता है, अर्थात जिसकी वजह से आप लोग आप जाने जाते हो, ये दो प्रकार का हो सकता है, फिजिकल भी हो सकता है, शारीरिक भी ये हो सकता है भाई, मेंटल भी हो सकता है, शारीरिक व मानसिक दोनों प्रकार का हो सकता है। देखो ऐसी कोई आप में बहुत अच्छी आदत है जिसकी वजह से लोग आपको जानते हैं, जैसे कि महात्मा गांधी को जानते हैं उसके शीलगुण की वजह से, लता मंगेशकर को जानते हैं उसकी आवाज़ के शीलगुण की वजह से, ठीक है। कोई ना कोई ऐसा गुण आपके अंदर होगा या आपकी आदत होगी या आपका कोई ऐसा व्यवहार होगा जिसकी वजह से लोग आपको जानते हैं। जैसे कई बार कोई लोग बहुत सहयोगी हो जाते हैं, तो जो सहयोग उसके व्यवहार की वजह से वो बच्चा बहुत सहयोग करता है, उसकी वजह से उसको जानना, तो ये क्या हो गया उसका शील गुण। जैसे कोई फिजिकली हैंडीकैप हो गया, जैसे किसी के पैर में दिक्कत है, वो थोड़ा सा लंगड़ा होके चलता है, तो कई बार हम पहचान लेते हैं वो लंगड़ा, जिसकी वजह से उसको पहचाना जाता है। कोई हेल्दी हो गया, वो मोटा, वो पतला, वो सुक्कड़ सा, ये क्या हो जाते हैं शील गुण, जिसकी वजह से आपको जाना जाता है, ठीक है। तो शील गुण का मतलब क्लियर हुआ होगा सबको। शील गुण आप लोगों की वो आदत, व्यवहार या गुण है जिसकी वजह से लोग आपको जानते हैं, ये शारीरिक व मानसिक दोनों हो सकता है, और ये गुण आप में स्थायी होता है, ये नहीं आज है कल नहीं है, ये आपके गुण व्यवहार में ज़्यादा समय तक रहता है, ठीक है। तो भाई ओलपोर्ट ने 2 प्रकार के शील गुण बताए थे, वो हम और देख लेते हैं फटाफट से। सारे बच्चे ऑनलाइन आके भाई लाइक जरूर करना, और अच्छा लगे तो सेशन को जरूर शेयर करना,
और जो बच्चा नया है आज की क्लास में, फटाफट आके साइड में सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब करके हम लोगों से जुड़ जाइए ताकि आप अपने टीचर बनने की तैयारी कर सको और टीचर बन सको। ठीक है, शीलगुण का मतलब हम लोगों ने पढ़ लिया है। ओलपोट ने दो प्रकार के शीलगुण बताए थे, टू टाइप्स ऑफ ट्रेट्स। पहला होता है जनरल ट्रेट, जनरल ट्रेट, सामान्य शीलगुण, सामान्य शीलगुण। ठीक है, और दूसरा बताया था व्यक्तिगत ट्रेट, व्यक्तिगत शीलगुण, इंडिविजुअल, या इसको पर्सनल ट्रेट भी बोल सकते हैं, इंडिविजुअल इंडिविजुअल ट्रेट हम इसको बोल सकते हैं। कई बारी क्वेश्चन ये आया है, वो शीलगुण का सिद्धांत किससे संबंधित है, भाई व्यक्तित्व से। और ये सिद्धांत किसने दिया, ओलपोट ने। शीलगुण का मतलब क्या होता है, ऐसी आदत व्यवहार या गुण जिसकी वजह से लोग आपको जानते हैं, ये फिजिकली और मेंटली दोनों हो सकता है। और ओलपोट ने कितने प्रकार के शीलगुण बताए, एक तो जनरल ट्रेट, एक व्यक्तिगत ट्रेट, दो प्रकार के शीलगुण होते हैं। अब हम इनका मतलब समझ लेते हैं कि ये क्या होते हैं। देखो, सामान्य शीलगुण ऐसा शीलगुण होता है, ऐसा शीलगुण होता है जो समाज के अधिकतर लोगों में पाया जाता है। लिख लो, ऐसा शीलगुण जो समाज के अधिकतर लोगों में पाया जाता है। जैसे हम बोल देते हैं ना, जैसे हम बोल देते हैं भाई, नॉर्थ के लोग, उत्तर भारत के लोग ईमानदार होते हैं, तो मतलब ज्यादा लोग ईमानदार होंगे ना वहां के। ठीक है, तो ये क्या ट्रेट हो गया जो समाज के अधिकतर लोगों में पाया जाता है। हम बोल देते हैं भाई, हरियाणा के लोग बहुत बहादुर होते हैं। ठीक है, तो ये ज्यादातर क्या हो गया, बहादुर, हरियाणा के ज्यादा लोग कैसे होते हैं भाई, बहादुर। तो ये क्या हो गया उनका शीलगुण, और ये कौन सा शीलगुण है, सामान्य शीलगुण। ठीक है, अब हम देखते हैं दूसरा। देखो, मैंने बोला नॉर्थ इंडिया के लोग ऑनेस्ट होते हैं, ईमानदार होते हैं। ठीक है, पर ए और बी, जैसे पर ए बी से ज्यादा ईमानदार है। ठीक है, तो ये शीलगुण, इस शीलगुण का प्रयोग हम तुलना करने के लिए भी करते हैं। लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार क्वेश्चन आया है, अकॉर्डिंग टू ओलपोट कौन सा शीलगुण है जिससे हम लोगों के बीच में तुलना कर सकते हैं। लिख लो, इस शीलगुण के द्वारा दो से अधिक लोगों में तुलना की जा सकती है। कई बार इसको एग्जाम्पल से पूछ लेंगे। देखो, यहां से दो क्वेश्चन अराइज होते हैं कि वो कौन सा शीलगुण है जो ज्यादा लोगों में पाया जाता है, वो होता है जनरल ट्रेट। और दूसरा क्वेश्चन ये आता है यहां से कि ओलपोट के अनुसार वो कौन सा शीलगुण है जिससे हम दो या दो से अधिक लोगों में तुलना कर सकते हैं। कंपैरिजन बिटवीन टू एंड मोर देन टू पीपल, ये कौन सा शीलगुण है भाई, जनरल शीलगुण। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम दूसरा करते हैं क्या होता है। हमने एक अच्छे से पढ़ लिया, इसमें बस दो ही बातें निकल के आती हैं, ये ज्यादा लोगों में पाई जाती है। ठीक है, और तुलना के लिए कौन सा शीलगुण का प्रयोग करते हैं, हम सामान्य शीलगुण का। ठीक है, सभी को समझ में आ गया होगा। और जितने बच्चे ऑनलाइन है, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करिए, साइड में सब्सक्राइब का बटन है, और जल्दी से जल्दी लाइक ठोको भाई, और सेशन को शेयर जरूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, तो अब हम दूसरे पे आते हैं, व्यक्तिगत शीलगुण। ये वाला शीलगुण ओलपोट कहते हैं, सामान्य की तुलना में
सामान्य शील गुण की तुलना में, सामान्य शील गुण की तुलना में बेहतर है। कौन सा जाता है भाई, कौन सा ज्यादा अच्छा शील गुण बताया? ये वाला शील गुण इससे ज्यादा बेहतर है, क्योंकि व्यक्ति विशेष को जानने के लिए, अगर हमें किसी व्यक्ति के बारे में जानना है तो उसके इस शील गुण का अध्ययन करना पड़ेगा। ठीक है, लिख लो विशेष, इसमें लिखो व्यक्तित्व विशेष का शील गुण इसी गुण से पहचाना जाता है। किसी व्यक्ति को जानने के लिए, किसी व्यक्ति को जानने के लिए इसी शील गुण का प्रयोग किया जाता है, इसी शील गुण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है भाई, दो शील गुण हमने पढ़ लिए हैं। दूसरा शील गुण है व्यक्ति, मतलब जैसे मेरे बारे में जानना है तो मेरे को अध्ययन करना पड़ेगा। ठीक है, क्या हुआ, ये ज्यादा बेटर होता है सामान्य शील गुण की तुलना में। अगर जैसे कि मुझे एक लड़के की, किसी बच्चे के बारे में जानना है तो उसको मैं डीपली स्टडी करूंगी, ठीक है, तब उसके बारे में जान पाऊंगी। तो किसी व्यक्ति को अच्छे से जानने के लिए कौन से शील गुण का अध्ययन करना पड़ेगा? व्यक्तिगत शील गुण का। एक बार फटाफट से सारे बच्चे वही स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम व्यक्तिगत शील गुण को थोड़ा डीपली पढ़ते हैं। यहां से क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा अंदर से आता है आजकल। देखो दूसरा शील गुण कौन सा है भाई हमारा? व्यक्तिगत शील गुण। इसको भी तीन प्रकार में बांटा गया है। पहले तो ये लिखो शील गुण कितने प्रकार के होते हैं। एक तो जनरल, सामान्य, फर्स्ट। दूसरा शील गुण कौन सा बताया था मैंने? व्यक्तिगत, व्यक्तिगत शील गुण, इंडिविजुअल ट्रेट, या इसको हम पर्सनल ट्रेट भी बोल सकते हैं, पर्सनल ट्रेट। ठीक है, देखो इसको भी तीन प्रकार में बांटा गया। यहां से क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना भाई, आजकल जरूर एक क्वेश्चन आता है यहां से, दो नंबर पक्के हो जाएंगे जिसने इसको अच्छे से समझ लिया। देखो पहला शील गुण होता है भाई आपका कोऑर्डिनल ट्रेट। पहला कौन सा बताया था? कोऑर्डिनल ट्रेट। कोऑर्डिनल शील गुण, अभी हम इसको डीपली पढ़ेंगे, पहले नाम देख लो। दूसरा शील गुण कौन सा है भाई आपका? केंद्रीय शील गुण, मींस सेंट्रल ट्रेट, सेंट्रल ट्रेट, केंद्रीय शील गुण। तीसरा आपका होता है भाई कौन सा? सबऑर्डिनेट ट्रेट, सबऑर्डिनेट ट्रेट, सहायक शील गुण, सहायक शील गुण ये वाला होता है भाई आपका। ठीक है, तीन प्रकार के इंडिविजुअल ट्रेट बताए थे ओलपोर्ट ने। पहला है भाई आपका कार्डिनल ट्रेट, सेंट्रल ट्रेट और सबऑर्डिनेटेड। अब हम इन तीनों को डीपली पढ़ेंगे भाई, यहां से क्वेश्चन जरूर आएगा, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, दो नंबर यहीं से पक्के हो जाते हैं। तो एक बार लिख लो भाई ये कौन सा शील गुण होता है। पहला शील गुण कौन सा है? कार्डिनल। ये क्या होता है? ये सबसे पावरफुल शील गुण, सबसे शक्तिशाली पावरफुल ट्रेट है। ठीक है, ये सबसे पावरफुल ट्रेट है, शक्तिशाली शील गुण है। ये किसी किसी में पाया जाता है, किसी किसी व्यक्ति में पाया जाता है, परंतु जिसमें पाया जाता है वो ज्यादा पॉपुलर होता है, परंतु जिसमें भी पाया जाता है, जिसमें भी पाया जाता है पूरा संसार उससे परिचित होता है,
जैसे कि एक ऐसा शील गुण है जो बहुत पावरफुल है और उस शील गुण की वजह से पूरा देश संसार आपको जानता है। जैसे लता मंगेशकर हो गई, उसके गाने की आवाज की वजह से उसको जाना जाता है, ठीक है। और जैसे महात्मा गांधी हो गए, ठीक है, महात्मा गांधी को जाना जाता है भाई सत्य अहिंसा के लिए, हिटलर को जाना जाता है तानाशाही के लिए, ठीक है। तो एग्जाम्पल लिख लो, क्या आएगा एग्जाम्पल इसमें, गांधी, लता मंगेशकर, अमिताभ बच्चन भी इसी में ही आएगा, सचिन तेंदुलकर भी इसी में ही आएगा, ठीक है। एक ऐसा शील गुण जिसकी वजह से उसको जाना जाता है और वो बहुत पॉपुलर होता है, पूरे देश विदेश में फेमस होता है, ठीक है। अब आता है सेंट्रल ट्रेट, ये वो वाला शील गुण होता है जो, देखो ये सामान्य लोगों का शील गुण होता है, सामान्य व्यक्ति का व्यक्तित्व, सामान्य व्यक्ति का व्यक्तित्व इसी शील गुण से मापा जाता है। इसमें पांच से दस शील गुण होते हैं जिसकी वजह से व्यक्ति को जाना जाता है, पर वो ज्यादा फेमस नहीं होता, उसके आसपास के लोग ही उसको जानते होंगे, ज्यादा लोग उसको नहीं जानते। इसमें सब उस व्यक्ति को सब जानते हैं, पर इसमें सिर्फ क्या होगा, आसपास के लोग ही उसको जानेंगे, ठीक है। जैसे क्या हो गई, एग्जाम्पल लिख लो, ईमानदारी, ओनेस्टी, पंक्चुअलिटी, ठीक है, सहयोग हो गया। कुछ पांच छह ऐसे गुण होते हैं व्यक्ति में जिससे उसके आसपास के लोग, कुछ लोग उसको जानते हैं, और इसी गुण की वजह से व्यक्ति के सामान्य व्यक्ति को हम नाप सकते हैं, ठीक है, जो ज्यादा फेमस नहीं होते। जैसे हम हैं, हमको कुछ लोग ही जानते हैं, ज्यादा लोग नहीं जानते। तो मेरे व्यक्तित्व को जानने के लिए कौन सा ट्रेट मुझे अपनाना होगा, सेंट्रल ट्रेट, ठीक है। अब हम लास्ट की तरफ आते हैं, सबोर्डिनेट ट्रेट, इसको बोला जाता है हेल्पिंग ट्रेट, हेल्पिंग ट्रेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो क्या होता है हेल्पिंग ट्रेट, इसमें आते हैं आपकी खाने पीने की आदत, कपड़े, ठीक है, बालों की बनावट, कपड़े इसमें आएगा। इसमें देखो क्या होता है, ये वो शील गुण होता है जो आपके गुण को थोड़ा सा अच्छा इफेक्टिव बना देगा। जैसे आप बहुत ईमानदार हो, बहुत पंक्चुअल हो, हार्डवर्क हो, ठीक है, इस गुण के साथ अगर आप अच्छे कपड़े पहनो, अच्छा हेयर स्टाइल बना के रहो, ठीक है, तो इससे आपकी पर्सनैलिटी थोड़ी ज़्यादा उभर के आ जाएगी। इसमें आपके खाने पीने की आदतें भी आती हैं, खाने पीने की आदतें, ठीक है। तो देखो हमने तीन शील गुण पढ़ लिए हैं, आज हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार हम दोबारा से क्विक रिवीजन ले लेते हैं, क्या पढ़ा भाई हमने। देखो फर्स्ट था क्या, पहला शील गुण का सिद्धांत किसने दिया, ओलपोर्ट ने दिया, और शील गुण का सिद्धांत किससे संबंधित है, व्यक्तित्व से संबंधित है। शील गुण को ओलपोर्ट ने दो प्रकार में बांटा, सामान्य शील गुण, व्यक्तिगत शील गुण। सामान्य शील गुण ज़्यादा समाज के लोगों में पाया जाएगा और इसी से हम दो से अधिक लोगों में तुलना कर सकते हैं। फिर आते हैं हम इंडिविजुअल ट्रेट में, इंडिविजुअल ट्रेट ज़्यादा अच्छा होता है एज़ कम्पेयर टू जनरल ट्रेट, ठीक है। इसी शील गुण की वजह से हम किसी व्यक्ति की पर्सनैलिटी को माप सकते हैं, और इसको भी तीन प्रकार से बताया गया है। पहला आता है कार्डिनल, सेंट्रल एंड सबोर्डिनेट। कार्डिनल शील गुण वो सबसे पावर शील गुण होता है, ये किसी किसी में पाया जाता है, परंतु जिसमें भी पाया जाता है वो ज़्यादा फेमस, उससे सब लोग परिचित हो जाते हैं। जैसे महात्मा गांधी, लता मंगेशकर, सचिन तेंदुलकर, अमिताभ बच्चन, ठीक है, इनमें कुछ ऐसा गुण है जिसकी वजह से पूरा संसार इनको जानता है।
अब हम आते हैं दूसरा, सेंट्रल ट्रेट। ये वो सामान्य व्यक्ति का शीलगुण, इसी शीलगुण की से नाप सकते हैं हम। ये वो वाला शीलगुण होता है जो सामान्य व्यक्तियों में पाया जाता है। किसी व्यक्ति में 5-6 ऐसी क्वालिटी हैं जिसकी वजह से कुछ लोग उसको जानते हैं, ठीक है। तो 5 या 10 शीलगुण इसमें इंक्लूड होते हैं। तीसरा आता है सबऑर्डिनेट ट्रेट, हेल्पिंग ट्रेट। हेल्पिंग ट्रेट वो होता है जो आपकी पर्सनैलिटी को थोड़ा बेहतर बनाने में हेल्प करे। जैसे कि आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, पढ़ते हो, हार्ड वर्क करते हो, व्यवहार अच्छा करते हो, उसके साथ साथ अगर थोड़े कपड़े अच्छे पहन लो, अच्छे से बाल बना के चलो और अच्छे से खाओ पियो, थोड़ा मैनर्स में बातें करो, तो क्या हो जाएगा, वो कौन सा ट्रेट हो गया, सबऑर्डिनेट ट्रेट। और इससे आपकी पर्सनैलिटी बहुत उभर के सामने आएगी, ठीक है। तो भाई आज का सेशन बहुत इम्पोर्टेंट था, हमने बहुत इम्पोर्टेंट किया है शीलगुण। यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आजकल आते हैं और जो मैंने ऑब्जर्व किया है इन्हीं तीनों में से ज़्यादातर क्वेश्चन आ जाते हैं। जाने से पहले भाई सारे बच्चे सेशन को लाइक कर देना, शेयर करना, और जो बच्चा न्यू है आज की क्लास में, साइड में सब्सक्राइब का बटन है उसको दबा कर हमसे जुड़ जाना, और बेल आइकन को दबाओगे तो सारी नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल जाएगी और आप हमसे क्लास ले सकते हो घर पे बैठे बैठे। और अड्डा 24/7 की ऐप को जरूर डाउनलोड करना, फ़ोन में कोई प्रोडक्ट जरूर खरीदना, और जो प्राइज़ आप लोगों को मिला बताना भाई क्या प्राइज़ आप लोगों ने जीता है, ठीक है। अब हम चलते हैं भाई, बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।